Today we are going to learn about how to use Google Classroom, how to take tests, how to have links of different recorded lectures, how to submit assignment. Everything about Google Classroom that is needed to you people for learning, for taking my classes, and yes, to get my notes and everything, that is all in that video. So let us start. So students, सबसे पहले आपको Gmail जो है उसके थ्रू एक इनविटेशन आता है जो हमारी तरफ से आपको भेजा जाता है. तो जैसे ही आपको जीमेल के अंदर इनविटेशन जो है रिसीव हो अपने जीमेल के इनबॉक्स में, तो आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपको वो जो है वो इनविटेशन आ जाएगा. तो आपने उसके अंदर जाकर ईमेल में खोलकर आपने ज्वाइन के लिंक को, आपको मेरा नाम लिखा नज़र आएगा और नीचे ज्वाइन का लिंक शो होगा, तो आपने ज्वाइन के लिंक को क्लिक कर देना. ज्वाइन का लिंक करके ब्राउजिंग होने के बाद आप सीधा गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे. ये चूंकि एक डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो आपके सामने इंटरफेस है, अगर आप सेलफोन से ओपन करते तो इसी तरह वो सेलफोन पर भी ओपन करेगा, लेकिन आपको सजेस्टेड है कि आप सेलफोन के ऊपर एक गूगल क्लासरूम का ऐप इंस्टॉल कर लें. लेकिन आपको ज्वाइन ऐसे ही करना है कि जब आप इसको ज्वाइन के लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमने किया ये पिछली क्लासरूम में, तो आप उस क्लिक को करने के बाद आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे. और देन जब एक मरतबा एंटर हो जाएंगे, दरमियान में शायद आपको एक बार दोबारा से वो यस के लिए कहे, तो वो दोबारा भी आपने कर देना है. चूँकि मैं तो पहले से ज्वाइंट था तो इसलिए वो डायरेक्ट मेरा गूगल क्लासरूम में चला गया, लेकिन आइंदा से आप लोगों को बार बार जो है वो अपने जीमेल से जाने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर तो आप अपने सेलफोन से ऐप यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त आप गूगल क्लासरूम के अंदर हैं, तो आपने बस उस ऐप को खोल लिया करने, आप गूगल क्लासरूम के अंदर पहुंच जाया करेंगे. और अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने गूगल क्रोम जो इंस्टॉल किया होगा, ये मेरे पास गूगल क्रोम है, तो आप देख सकते हैं गूगल क्रोम ओपनड है. तो आपने गूगल क्रोम में ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, 9 डॉट्स, आपने इन 9 डॉट्स पर क्लिक करना है, तो थोड़ा सा नीचे जाकर आपको गूगल क्लासरूम मिल जाता है ये. तो आप इस पर क्लिक करके भी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आप गूगल क्लासरूम के अंदर एंटर हो जाएंगे, वो गूगल क्लासरूम को ही ओपन करेगा आपके सामने दोबारा से. जी, तो ये आपके सामने आपका सेक्शन है. अगर आप 2 सेक्शंस में होंगे तो 2 शो होंगे, 3 में होंगे 3 शो होंगे. तो ये मैंने सेक्शन का नाम आप लोगों को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और सिखाने के लिए सेक्शन का नाम फार चेक रखा हुआ है. लेकिन आप के पास है, अगर फीमेल है तो फीमेल का जो है वो सेक्शन शो हो रहा होगा, मेल है तो वो मेल का एक अलग 2 सेक्शन है. तो मैंने 2 सेक्शंस बनाए और फीमेल वाले सेक्शन में मेल. मैं चलो जी अपने फार चेक वाले सेक्शन को ओपन कर लूँ. तो ये मेरा सेक्शन ओपन हो गया. इसमें सबसे ऊपर आपको स्ट्रीम, क्लासवर्क और पीपल नज़र आ रही. स्ट्रीम में मैं जो भी आपको काम भेजूंगा वो एक तरह की एक न्यू स्ट्रीम होगी, वो आपको शो होगा कि सर ने क्या क्या चीज़ अपडेट कर दी हुई है, हमारी तरफ से हो चुकी है. तो इस स्ट्रीम में एक लिंक हमेशा आपको जो शो होता रहेगा वो वीडियो लेक्चर्स प्लस सॉल्यूशंस का शो होता रहेगा. इसके अंदर जो भी नई वीडियो हम बनाएंगे या जो भी लेक्चर आपको जूम पे ऊपर ऑनलाइन हम ले रहे होंगे, डिलीवर हो रहा होगा, उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिलता रहेगा. आपने उस रिकॉर्डिंग के लिंक के ऊपर, आपको नेम भी मिल रहा होगा साथ, आपने उसके लिंक उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे. जैसे अभी मैंने क्लिक किया है तो वो लिंक ओपन हो रहा है और जो है वो आपके. तो ये स्टूडेंट आपको जो है वीडियो प्ले हो जाएगी और आप उस वीडियो को अपने देख सकते हैं. अगर आपने लेक्चर मिस किया या दोबारा भी देखना चाहते हैं तो ये सारी की सारी वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं वो स्ट्रीम में, इस आपको स्ट्रीम के चैनल में नज़र आते रहेंगे, लेक्चर वीडियोज़ प्लस सॉल्यूशंस वाले में. यहीं इसके अंदर ही सारी नीचे शो होती रहेंगी. आप इसको क्लिक करके ज़्यादा फुल ओपन करके सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं और बाजू का सेपरेट वीडियोस भी आती रहेंगी. देन आपके सामने आपको स्ट्रीम के ऊपर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं. ज़ाहिर जैसे जैसे और अपलोड होती जाएंगी और नज़र आती जाएंगी. तो एक आपको असाइनमेंट नज़र आ रही है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है ऑफ एनी आर्टिकल. सेकेंड आपको एक क्विज 1 नज़र आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर. और एक आपको टेस्ट नज़र आ रहा है जो है वो करेक्ट द सेंटेंसेस पर, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही है. तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, असाइनमेंट देना चाहते हैं, तो आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे. लेकिन इससे पहले मैं आपको स्ट्रीम में क्लास वर्क में लिए चलता हूँ. क्लास वर्क में वो वर्क होगा जो मैंने आपके जिम्मे लगाया है
और स्ट्रीम के ऊपर भी वो शो हो रहा है, जो अभी स्ट्रीम के ऊपर शो हो रहा होगा वो यही है, लेकिन यहाँ आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा अरेंज्ड वे में मिल जाएगा। एग्जैक्ट आपको उसके आगे उसकी ड्यू डेट मिल जाएगी, अगर उसकी कोई ड्यू डेट दी हुई है कि इस ड्यू डेट तक करना ही करना है, और नहीं दी हुई तो आपको मिल जाएगा कि नो ड्यू डेट, और ये आपको असाइनमेंट का फीचर नज़र आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम जो है सबसे ऊपर जो क्विज़ करने का तरीका देखते हैं। तो आपने क्विज़ वाले असाइनमेंट को क्लिक करना है, तो आपको नीचे आ जाएगा जी व्यू असाइनमेंट, तो आप असाइनमेंट को व्यू कर लें। क्विज ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए। ये क्विज आ गया। क्विज में सबसे पहले उन्होंने आपसे ईमेल एड्रेस जो है डिमांड किया होगा। ईमेल एड्रेस हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने को कि ये क्विज किस स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, ताकि अकॉर्डिंगली उसके उसको जो है वो देखा जा सके और कमेंट्स में उसको फीडबैक दिया जा सके। तो ये लाजमी तौर पे अपना ईमेल आईडी लिखा करना है, ये रिक्वायर्ड रहा करेगा, इसके बगैर आपका कोई सबमिट नहीं होगा। वही जीमेल जो आप अपने जीमेल के लिए यूज़ करते हैं। लें जी ये जीमेल आईडी मैंने दे दिया अपना एक और देन आपको करेक्ट आंसर्स की तरफ देखना है कि कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हैं। जो आपको इन चारों ऑप्शन में करेक्ट लग रहा होगा आपने उस को जो है वो सर्कल को टिक कर लेना है। आइए ज़रा सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमने सबमिट कर दिया, तो आप स्टूडेंट इसमें अपने रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं। तो ये व्यू स्कोर पर मैंने क्लिक किया, थैंक यू का मैसेज आपको आया हुआ था, तो मुझे मेरा पूरा स्कोर आ जाएगा। और अगर मैंने कोई मिस्टेक की है, देखो मेरा स्कोर आ गया 10 out of 10, अगर मिस्टेक की होगी तो वो मेरा क्रॉस हो जाएगा और मुझे राइट ऑप्शन गाइड कर दिया जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या आना था। ये सारे करेक्ट हो गए जी, अदरवाइज आपको वो पूरा रिस्पांस जो था वो उसका मिल जाना था। हम दोबारा क्लास वर्क पे जा रहे हैं जी स्ट्रीम के बाद। तो क्लास वर्क के अंदर हमारा जो क्विज है वो तो ओपन हो चुका था, अब मैं ये ओपन कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने खुलकर ओपन हो चुका है, आपने इसको क्वेश्चंस खोल लेने। ये ओनली 5 questions है, ये भी एक टेक्निक है। CSS के पेपर में यूजुअली जो सब्जेक्टिव टाइप है उसमें ऐसे ही आते हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में वो दूसरी तरह से आते हैं। सब्जेक्ट के आपको 4 options होंगे, जैसे भी कर रहे थे अगर आए तो सब्जेक्टिव टाइप में आपको मोस्टली आते हैं जी। करेक्शन के 10 marks का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये इस यहीं से कर रहे होने। तो यहाँ भी आपने पहले सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। लीजिए हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक हैव वोटेड अगेंस्ट हिम, मेजॉरिटी ऑफ के साथ हमने रूल पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ के बाद अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ये मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, कोई परसेंटेज आगे से 70%, 50% ऑफ, तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये तो प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। पब्लिक सिंगुलर है, पीपल प्लूरल होता है जी, पब्लिक कलेक्टिव ना होना, जैसे क्लास कलेक्टिव ना होना, आर्मी कलेक्टिव ना, तो आर्मी इज, पब्लिक इज, तो ये हैव नहीं आना, ये हैज आना था। आप अगर डेस्कटॉप पर कर रहे हैं तो आपके लिए और आसान है कि आप इसी जुमले को यहाँ से उठाकर पेस्ट कर दें, आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक हैव नहीं आना, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक हैज वोटेड अगेंस्ट हिम, तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो ये नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, तो आपको स्टूडेंट्स ये आपके सामने आ गई, थैंक यू का मैसेज आ गया। तो आप लोगों को ये मैं चेक कर कर सेंड किया करूँगा, या मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दिया करूँगा, बल्कि आप लोगों को इसके मार्क्स भी दिया करूँगा। लेंगे स्टूडेंट्स हम अपने क्लास वर्क पर दोबारा आ गए, मतलब अपनी गूगल क्लासरूम में दोबारा आ गए। हम 2 चीज़ें सीख चुके हैं, क्विज बना कैसे सॉल्व करना है, टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। अब आपको क्रिएटिव राइटिंग के नाम से एक असाइनमेंट रोज़ शो हुआ करेगी, ये रोज़ आपको मैं शो कर दिया करूँगा, रोज़ रात के वक्त मैं चेक करता हूँ। कल भी मैंने सब स्टूडेंट्स की रात को चेक करके भेज दी थी, तो वो आपको शो कैसे होंगी आपने वो भी आपको दिखाऊंगा अभी, और आपने वो सॉल्व कैसे करनी है वो भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आपको नज़र आ गया कि आपने करना क्या है। आपको कहा गया है कि आपने असाइनमेंट बनानी है क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हुए। इसको खैर हम मज़ीद ओपन करके वाजे कर लेते हैं। तो राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी आर्टिकल और न्यूज़ इन टूडेज न्यूज़पेपर एंड अपलोड पिक्स ऑफ दैट पेज और पेजेस। नीचे कुछ और गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि आपने बेटर है कि कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें। ये मेरी सजेशन है क्योंकि अक्सर अपने पिक मोबाइल से ही लेनी है, तो CS स्कैनर है जी वो आपने डाउनलोड कर लेना है। CS स्कैनर का सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि आप जब उससे पिक लेंगे, आपने हैंड रिटन लिखना है जी, हैंड रिटन लिखने के बाद जब आप पिक लेंगे तो उसमें मैजिक कलर का ऑप्शन आता है,
और वो आपकी क्रॉप भी कर देता है तस्वीर, अगर इर्द गिर्द की कुछ चीज़ें भी आ गई हैं, टेबल आ गया तस्वीर लेते हुए, वो क्रॉप कर देंगे, आपका प्योर पेज आएगा। और मैजिक कलर पर क्लिक कर देंगे तो वो पिक बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपने किसी प्रोफेशनल स्कैनर से स्कैन की है। और देन आप उसको सेव कर लेंगे, वहाँ से फिर आप उसको ऑप्शन में जाकर गैलरी में सेव कर लें, वो आपकी गैलरी में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जहाँ कैम स्कैनर में सेव हो जाएगी, वहाँ से ऑप्शन आएगा डॉट्स का, उस पर क्लिक करके आप उसको गैलरी में सेव कर लें। गैलरी से आप मुझे मोबाइल फ़ोन के ऊपर से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ जी। ऐड और क्रिएट नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना जब आप अपनी असाइनमेंट लिख चुके हों। अगर तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो सीधा नीचे फाइल पर आएगा। आपने फाइल पर क्लिक करके अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर वो तस्वीरें जो पड़ी होंगी वो अपलोड कर देनी है, वो यहाँ अपलोड हो जाएंगी। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको तस्वीरें, वो ज़रा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल क्लासरूम सेल फ़ोन पर ही ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आपने वहाँ से मुझे टेस्ट सॉल्व करने, टेस्ट भी वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, आपने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है वो भी वहीं से हो जाएंगी, और वहाँ से ज़्यादा ईजी है क्योंकि आपने पिक वहाँ से लेनी है अक्सर, जो मुझे असाइनमेंट देनी है तो वहीं से आपको करना आसान होगा। सेलफोन हर एक के पास होता है, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो वहाँ से भी ठीक है। आपने क्या करना है लैपटॉप से भी, कि फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको गूगल ड्राइव की तरफ ही ले जाएगा। तो लेकिन इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना गूगल ड्राइव के अंदर डाटा सेव करना पड़ेगा। और गूगल ड्राइव में आप डाटा कैसे सेव करते हैं वो भी आप लोगों को सिखा देते हैं। गूगल ड्राइव पर भी डाटा सेव करना आसान है जी। ये जो 9 डॉट्स आ रहे होते हैं जब आप गूगल क्रोम खोलते हैं, तो आपने 9 डॉट्स पर क्लिक करना है, तो ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ गया, आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है तो आपकी गूगल ड्राइव ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। ले जी, ये गूगल ड्राइव जो है वो आपके आपके सामने आ चुकी है ओपन होके। आपने काम करना है कि जो फाइल, ये आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह से कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप जो है यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी अपना मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन, तो वहाँ आपको गूगल ड्राइव के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सेल फ़ोन से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ से सजेस्टेड वही है। आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करो ये आपने एक पिक लेकर अपने मोबाइल से सेल फ़ोन से लैपटॉप या डेस्कटॉप में कन्वर्ट की हुई थी, उसमें पहुंचाई हुई थी, आपने उसको बस पिक करना है। ये आपने उसको ड्रैग करते हुए आपने अपने उस क्रोम पे जाके उस गूगल ड्राइव में पेस्ट कर देना है, और आप देखें तो वो फाइल आपके अपलोड होना शुरू हो गई है और वो आपके इधर अपलोड हो जाएगी। आप चाहें तो अपना गूगल ड्राइव को डाउनलोड भी कर सकते हैं डेस्कटॉप ऐप के तौर पर, देन गूगल ड्राइव आपके डेस्कटॉप पर हमेशा पड़ी रहेगी। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इन 9 डॉट्स की मदद से आपके पास वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो ये वो आपकी क्लासरूम की असाइनमेंट आ गई, जो आपने जहाँ से अपलोड करनी थी, जो आपको डेली राइटिंग असाइनमेंट में से कह रहा हूँ कि आपने भेजनी है, तो आपने इस ऐड और क्रिएट पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने गूगल ड्राइव पर डायरेक्ट चले जाएँ, फाइल पर चले जाएँ। दोनों सूरतों में आप गूगल ड्राइव में ही एंटर होंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, सेलफोन पर आप अपनी सेलफोन की जब फाइल पर क्लिक करेंगे तो सेलफोन की गैलरी में जाएंगे, तो वहाँ से आपको डाटा गूगल ड्राइव में नहीं रखना पड़ेगा। तो ये एक जो असाइनमेंट है जो कि आपने फ़र्ज़ करो बनाई हुई है, ये मैंने एक स्टूडेंट की चेक की हुई असाइनमेंट मेरे पास थी, तो मैंने वही इधर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो है वो असाइनमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी। और आपने एट देन टर्न इन लाजम प्रेस कर देना है, अगर आप टर्न इन प्रेस नहीं करेंगे तो असाइनमेंट मेरे तक नहीं पहुँचेगी। तो ये टर्न इन प्रेस होते ही जो असाइनमेंट है वो मेरे पास अब पहुँच चुकी है, ये सबमिट हो चुकी है अब आपके पास असाइनमेंट, ठीक हो गया जी। अब मैं इस असाइनमेंट को खोलूंगा, चेक करूंगा और मार्क करूंगा, और जब मैं मार्क कर दूंगा तो वो मार्क होकर आपके पास वापस आ जाएगी, और वो आपको कैसे शो होगी वो भी अभी आपको दिखाते हैं। आप अपनी क्लासरूम में वापस आके दोबारा से अपनी असाइनमेंट ओपन करेंगे, और ये आपको असाइनमेंट जब लिखा आ जाएगा मार्क्ड, इतना मतलब ये असाइनमेंट आपको चेक होकर वापस आ चुकी है, आपने उसको ओपन कर लेना है। और या जो अगर दो शो हो रही होंगी तो जिसमें एडिटेड वाली है वो उसको ओपन कर लेना, जिसके ऊपर एडिटेड लिखा हो। जब आप ओपन करेंगे उसको अपने इधर डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या मोबाइल में, तो आपको शो हो जाएगा कि कहाँ कहाँ टीचर ने मिस्टेक्स निकाली हैं, आपको बकायदा वो मिस्टेक्स हाईलाइट होंगी। जैसे ये मैंने एक चेक की हुई असाइनमेंट है तो उसके ऊपर मैंने मिस्टेक्स लिख दी हैं, कहाँ क्या मिस्टेक थी क्या नहीं थी। और आपको इवन
जो उसका ओरिजिनल पिक्चर है जूम किए बगैर, उसके ऊपर ये भी शो हो जाएगा कि मैंने किसी जगह पर क्या रिमार्क दिए हैं। मतलब इस जगह पर मैंने रिमार्क्स दिए हैं कि डोंट यूज पास्ट टेंस फॉर प्रेजेंट एक्शंस, तो आपको वो रिमार्क्स भी शो हो जाएंगे। और मेरा इधर से आपको कोई मैसेज सेपरेट अगर मैं आपको करता हूँ कि आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने इधर दिया हुआ है कि योर वर्ब मिस्टेक्स नीड योर अटेंशन, वर्ब्स आर नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस, डोंट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, तो मैं पेपर के आपके असाइनमेंट के ऊपर भी रिमार्क्स दे सकता हूँ, उसके ऊपर करेक्शंस भी करके आपको रिवर्स वापस सेंड करूँगा, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इधर मैसेज में भी रिप्लाई कर रहूँगा। तो आई डू होप कि आपको इस वीडियो से गूगल क्लासरूम को यूज़ करने का, टेस्टिंग देने का, असाइनमेंट सबमिट करवाने का सारा तरीका समझ आ गया होगा। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।